Welcome everyone to my channel, The Culinary Universe. मैं शेफ सिद्धार्थ शंकर चक्रवर्ती आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत से कमेंट्स भी आए, पर्सनल फीडबैक्स भी आए हैं रिगार्डिंग माई अदर वीडियोज़, बट ऑन माई रिसेंट वीडियो जिसमें मैंने पास्ता इन टमेटो सॉस बनाया था, द टमेटो सॉस विच आई मेड फॉर बोथ पिज्ज़ा एंड पास्ता, लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड वेलविशर्स हैज कम अप टू मी एंड टोल्ड मी कि आप वाइट सॉस पास्ता भी बनाएँ या वाइट सॉस का भी एक वीडियो दें। So first of all I would like to thank everyone for the same. So here we go today and we'll make the basic white sauce या हम जिसको बेचामेल sauce बोलते हैं, and it is the base of lot of Italian and French cuisine items, but the most favorite and the most popular is the white sauce pasta. For making white sauce we need basic ingredients which is flour, butter, milk. ये तीन main ingredients हैं और इनके रेशो पे ही सारा वाइट सॉस का कंसिस्टेंसी, टेक्सचर, कलर डिपेंड करता है। सो द रेशो गोज इज 1:1:10. व्हाट वी से 1:1:10, इट मीन्स 1 part ऑफ फ्लावर, 1 part ऑफ बटर एंड 10 parts ऑफ मिल्क। सो फॉर एग्जाम्पल से आई एम मेकिंग अ 500 ml पास्ता सॉस और 500 ml वाइट सॉस। सो आई विल टेक 50 grams of butter, 50 grams of flour and 500 ml of milk. Another most important ingredient which plays a very prominent role in white sauce is onion, clove and bay leaf. प्याज, तेज पत्ता और क्लोव। So मैंने यहाँ पे एक छोटा प्याज लिया है, उसका 1 का 2 भाग करके। Now I'm wrapping it with bay leaf and उसको मैं पिन अप कर रहा हूँ क्लोव के साथ, जैसे हम पान को फोल्ड करते हैं या कोई चीज़ को आप रैप करके पिन अप करते हैं। सो इसमें मैंने अनियन के ऊपर तेज पत्ता और क्लोव को रैप किया है, विच इज़ टेक्निकली कॉल्ड क्लूटे। यू कैन गेट दिस राइट वर्ड और द राइट स्पेलिंग एट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। हाउएवर मूविंग फॉरवर्ड, क्लूटे हम बना के सॉस में ऐड करते हैं, विच गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्वीट अरोमा एंड फ्लेवर टू द वाइट सॉस। जो एक हमेशा एक खुशबू सी, एक भीनी भीनी सी मीठी की खुशबू आती है जो वाइट सॉस में, वो इस क्लूटे की वजह से ही आती है। सो मूविंग फॉरवर्ड, मैंने यहाँ पे एक हेवी बॉटम पैन लिया है एंड आई हैव हीटेड इट प्रॉपर्ली। नाउ आई विल ऐड माय बटर टू इट, बट बिफोर एडिंग द बटर अ स्मॉल टिप, इस हाई टेम्परेचर पे जब हम बटर ऐड करेंगे तो डेफिनेटली जलेगा और ब्राउन कलर का बहुत जल्दी होगा, विच वी नीड टू अवॉइड। फॉर दैट मैंने ऑलमोस्ट 1 teaspoon या 1 tablespoon के आसपास ऑलिव ऑयल ऐड किया, बिकॉज ऑयल डालने के बाद बटर जब हम डालेंगे तो उसका ब्राउनिंग इफेक्ट को वो उतनी जल्दी होने नहीं देगा। सो हियर आई हैव एडेड ऑयल, देन आई हैव पुट द बटर। जैसे ही बटर मेल्ट हुआ, वी हैव टू इंश्योर कि ब्राउन ना हो। आप अपना टेम्परेचर कंट्रोल करें गैस का या इंडक्शन का, ब्रिंग डाउन टू लोएस्ट ऑफ हीट सो दैट यू कैन कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ बटर एंड अवॉइड इट फ्रॉम ब्राउनिंग। Then immediately when you see कि ये मेल्ट हो चुका है, you add the refined flour and continuously stir it. Another point which we have to keep in mind कि ये हम white sauce बना रहे हैं, so जब हम butter को और flour को cook करते हैं एक साथ, तो it is called roux. So there are 3 types of roux. Quickly I will tell you. One is white roux, one is blonde roux, one is brown roux. White sauce के लिए हमें white roux चाहिए, जैसे हम कोई अलग value पे या कोई और sauces बनाते हैं, तो उसको हम ब्राउन रू यूज़ करते हैं। फॉर डार्कर कलर ऑफ सॉसेस के लिए हम ब्राउन रू यूज़ करते हैं। तो हेयर यू सी बटर और फ्लावर अच्छे से मिक्स हो गया, हमें इसको चलने नहीं देना है, कलर चेंज नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लाइट वेरी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर एंड गिव्स अ ब्यूटिफुल अरोमा वेयर यू कुड फील एंड यू कैन स्मेल कि बटर और फ्लावर पकने के बाद एक अच्छी खुशबू दे रहा है। सो इसका आप रेफरेंस ले सकते हैं तो अरोमा ऑफ लाइक अ कुकी, और जब हम सूजी भूनते हैं कई बार इंडियन क्यूजीन में, या सूजी का हलवा बनाते हैं या आटे का हलवा बनाते हैं, आटा भूनते हैं तो ऐसी खुशबू आती है। दैट इज़ द टाइम जब हम ये बोल सकते हैं कि रू बन गया है एंड द कलर इज़ वेरी लाइट। इमीडिएटली इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क ऐड करते ही इसको मैं कंटिन्यूसली स्टर करूँगा, अदरवाइज इसमें लम्ब्स पड़ जाएंगे। एक और ख़ास चीज़ जो मैं फॉलो करता हूँ या जो हमने बहुत सालों पहले सीखा, कि या तो आपका रू गर्म होना चाहिए या दूध गर्म होना चाहिए, दोनों एक टेम्परेचर पे नहीं ऐड होते हैं। इससे कर्डल होने के या सॉस के फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मेरा रूह बिल्कुल गर्म है पैन में, मैंने बनाया, इसमें मैंने कोल्ड मिल्क ऐड किया है। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम कमर्शियली या प्रोफेशनली हम लोग किचन में काम करते हैं तो हम लोग रूह बहुत सारा बना के रख देते हैं क्योंकि रूह ख़राब नहीं होता। सो दैट इज़ द टाइम जब हम लोग फटाफट रूह निकालते हैं, बॉइलिंग मिल्क में हम इसको ऐड करते हैं, हमारा वाइट सॉस बन जाता है। मिल्क ऐड करते ही इसको कंटिन्यूसली स्टर करते हुए अब मैं इसमें अपना क्लूटे जो मैंने बनाया था, जो अनियन, बे लीफ और क्लोव का जो एक रैप बनाया था, वो उसमें मैं ऐड कर दूंगा एंड वी विल स्टर इट स्लोली, जिससे कि टूटे नहीं, वरना क्लोव टूटने के बाद उसके थोड़े थोड़े टुकड़े भी मुंह में आते हैं एंड गिव्स अ वेरी डिफरेंट एक्स्ट्रा ओवर पावर ऑफ क्लोव्स का हमें फ्लेवर नहीं चाहिए। दिस इज द टाइम व्हेन यू कंट्रोल द हीट कम्प्लीटली and keep on stirring it, and the best way to check the sauce whether it's ready or not is आप अपना स्पैटूला का बैक में सॉस को लीजिए और एक लाइन खींच के देखिए। अगर ये सॉस ड्रिप कर रहा है, फ्री फ्लो है, तो इट मीन्स ये अभी पका नहीं है, इसकी राइट कंसिस्टेंसी नहीं आई है। एंड इफ यू सी नाउ व्हेन आई पुल अ लाइन, इट इज़ नॉट ड्रिपिंग सो फास्ट, इट मीन्स इट इज़ रेडी। टर्न ऑफ द हीट एंड ऐड द नटमेग पाउडर इमीडिएटली। वन मोर थिंग, इफ you do not eat onion, you can remove the onion part from the clouté, so it will not be clouté. Then you can simply add bay leaf and cloves for the flavors. Now my sauce is ready for straining. For making spaghetti in white sauce, the main ingredients is spaghetti is there, white sauce which I just made now, salt, black pepper, mixed herbs, chili flakes, chopped onion and chopped garlic, a bit of olive oil. And yes, you can add fresh herbs like basil or parsley to give it an extra flavor. Chili flakes you can avoid if you are making it for kids. For making the pasta, we start the process by adding olive oil into the heated pan. Add chopped garlic, chopped onion, saute it. हमें इसको brown नहीं करना है because we should not lose the texture of the sauce by over browning the onion and garlic. Then we immediately add dry herbs. Then we add chili flakes. Just give it a stir. Add the white sauce, mix it well, add pasta, add cream, stir well, mix well, add salt, pepper as per the taste and cook it on a low heat for 3 to 4 minutes till the time it is well mixed and it comes to a right consistency. One more point, while making, if you feel कि आपका sauce या pasta ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, you can definitely add a little bit of milk to it, but don't add too much of raw milk, otherwise it will give you a raw flavor. And cook it on a low heat for 3 to 4 minutes till the time it is well mixed and it comes to a right consistency. One more point, while making, if you feel कि आपका sauce या pasta ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, you can definitely add a little bit of milk to it, but don't add too much of raw milk, otherwise it will give you a raw flavor. Here the pasta is ready. Now we will dish it out and it is ready to be served. Add grated cheese. You can add processed cheese or you can use Parmesan cheese, whatever is available with you, and your white sauce pasta is good to go. You can make white sauce penne, you can make fusilli, you can make farfalle, you can make any of the pasta of your own choice and your kids' choice. I hope guys this video was helpful to you. Please like, comment and share with your friends and family, and I hope you will definitely make this simple, authentic restaurant, cafe, hotel style white sauce, a creamy white sauce or a creamy cheese white sauce, whatever name you want to give it, and you will enjoy it. Bon appetit, stay safe, happy cooking, Jai Hind.